की बात कर रहा हूँ एंड हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज बिजनेस कम्युनिकेशन के साथ। बिजनेस कम्युनिकेशन में हम समझेंगे कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है एंड कैसे कम्युनिकेशन एक वाइटल रोल प्ले करता है बिजनेस के अंदर। आज की वीडियो में, जो कि हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो है इस सब्जेक्ट की, इसमें हम बिजनेस कम्युनिकेशन के बेसिक्स की बात करेंगे एंड एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे कि हम क्या चीज़ इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं, जो कि मैं अपनी अगली 8 से 9 वीडियोस के अंदर कवर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन होता है क्या है, कम्युनिकेशन की क्या प्रोसेस है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या नेचर है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। कम्युनिकेशन के बाद हम लोग चलेंगे टूवर्ड्स बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन में हम लोग इसका मीनिंग देखेंगे, मीनिंग के अलावा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देन इन सब को समझने के बाद हम लोग फॉर्म्स या फिर टाइप्स देखेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन के। देन फर्दर वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट मॉडल्स एंड लास्ट में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो ये एक ओवरव्यू है जो कि मैं अपनी अगली 2 से 3 वीडियो में कवर करूंगा। तो स्टार्ट करने से पहले, इन केस अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब। उसके अलावा हम लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन के साथ। कम्युनिकेशन डिराइव हुआ था एक लैटिन वर्ड जो कि था कम्युनिस, एंड कम्युनिस का मतलब होता था कॉमन। कम्युनिकेशन क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसकी हेल्प से एक इंडिविजुअल या एक ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंडिविजुअल, वो इंसान भी हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है या ग्रुप भी हो सकते हैं, अपने आइडियाज, फैक्ट्स, मैसेज या कोई भी इंफॉर्मेशन को दूसरे इंडिविजुअल तक पहुंचाता है, कम्युनिकेट करता है। अगेन, दूसरा वाला इंडिविजुअल कोई भी एम्प्लॉय भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है या कोई ऑडियंस भी हो सकती है। इसलिए कम्युनिकेशन की एक डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। पहले ऑथर की एक डेफिनेशन याद करना ज़रूरी होता है, तो इसी वाली मैंने ऑथर की यहाँ पे लिखी है जो कि याद रहेगी। कीथ डेविस ने यह डेफिनेशन दी थी, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ पासिंग इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। आसान शब्दों में, कैसे एक इंडिविजुअल ने अपनी इंफॉर्मेशन अपने से दूसरे तक पहुंचाई या ट्रांसफर करी। एक चीज़ नोट करने वाली है कि कम्युनिकेशन को मैं सक्सेसफुल तभी मानता हूं कि जो चीज़ मैं कम्युनिकेट करना चाहता था, बताना चाहता था दूसरे इंडिविजुअल को, वो भी उस चीज़ को सेम सेंस में ले। अगर वो दूसरे सेंस में लेता या ठीक से नहीं समझ पाता, उस केस में मेरा कम्युनिकेशन फेल हो गया है। ठीक है, इससे हम लोग आते हैं अपने अगले टॉपिक पे कि कम्युनिकेशन के क्या क्या फीचर्स होते हैं एंड इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहला, कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस है। टू वे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें एक जना है जो इन्फॉर्मेशन को पास कर रहा है और दूसरा जना है जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है। अभी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। जो बंदा इन्फॉर्मेशन को पास कर रहा है वो हमारा सेंडर होता है एंड जो रिसीव कर रहा है वो हमारा रिसीवर होता है। इन्फॉर्मेशन सेंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि मैंने पीछे बताया, इन्फॉर्मेशन इसमें जानी भी है एंड सामने वाला इंडिविजुअल या जो भी ग्रुप है उनको वो इन्फॉर्मेशन समझ भी आनी चाहिए। इसमें दोनों चीज़ें मेरी इन्वॉल्व है। सिर्फ एक चीज़ होगी, सेंडिंग होगी या अंडरस्टैंडिंग होगी, तो उसे मैं कम्युनिकेशन नहीं बोलूँगा। थर्ड, वर्बल नॉन वर्बल। कम्युनिकेशन मेरा वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है। वर्बल मेरा कौन सा हो गया, जितना भी मेरा फॉर्मल इनफॉर्मल आता है, रिटेन, ओरल। एंड नॉन वर्बल कौन सा होता है, जो मैं साइन लैंग्वेजेस वगैरह में करता हूँ, जैसे कि टीचर ने क्लास में पूछ लिया, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक और नॉट, जो भी उसने पढ़ा है। अगर स्टूडेंट ने रिप्लाई किया येस और नो के साथ, अब तो वो वर्बल हो गया। एंड अगर उसने जैसे कि अपनी मुंडी हिला दी, तो वो नॉन वर्बल हो जाएगा, जो साइन लैंग्वेज में चला जाते हैं। कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज चलते ही रहते हैं, इनका कोई एंड नहीं होता। मे बी आज एक आइडिया का एंड हो गया तो कल मेरे पास दूसरा आइडिया अपने आप आ ही जाएगा, जो कि मैं कम्युनिकेट करना चाहूँगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल्स हम लोग टेक्नोलॉजी की ग्रोथ के साथ ले सकते हैं, जिसके जैसे पहले हम लोग कम्युनिकेट करते थे लेटर्स के साथ, लेटर्स के बाद हम लोगों के पास आए टेलीफोन्स के बाद अब आ गया सोशल मीडिया।
सोशल मीडिया से कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया एंड बहुत जल्दी हम एक बहुत बड़े ग्रुप को कवर कर पाते हैं, जो कि ये भी दिखाते हैं कि प्रोसेस कॉन्टीन्यूस है, चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है। एंड इसमें और ऐड करना हो तो वी कैन राइट अबाउट परवेसिव एक्टिविटी। परवेसिव का मतलब होता है अलग अलग लेवल या हर जगह। कम्युनिकेशन हर जगह के लिए नेसेसरी है। अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो टॉप लेवल पे भी कम्युनिकेशन होता है, मिडल पे भी होता है, लोअर पे भी होता है, इसलिए ये एक परवेसिव एक्टिविटी है। हमने कम्युनिकेशन का मीनिंग समझ लिया, डेफिनेशन देख ली एंड फीचर्स जान लिए। फीचर्स के बाद हम लोग देखेंगे अबाउट द कम्युनिकेशन प्रोसेस कि कैसे पूरी प्रोसेस है। बिजनेस कम्युनिकेशन टॉपिक बहुत आसान है एंड काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें जितने ज़्यादा डायग्राम्स एंड चार्ट्स बनाओगे उतना ईजीली तुम अपने चेकर के साथ कम्युनिकेट कर पाओगे, ताकि उसको चेकिंग ईजी रहे एंड तुम्हें ईजीली मार्क्स मिल जाए। तो अब हम लोग चलते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन प्रोसेस पे। कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड प्रोसेस से ही हम लोगों को कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स भी मिल जाए। जैसे कि मैंने कम्युनिकेशन बताया कि कम्युनिकेशन में क्या होता है कि एक इंडिविजुअल जब कोई अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे इंडिविजुअल को पास ऑन करता है एंड जब वो उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के बाद अंडरस्टैंड भी कर लेगा, तब मेरा कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा। तो इससे हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि इसकी क्या प्रोसेस होगी। सबसे पहले हम लोगों के पास एक सेंडर होगा। सेंडर क्या करेगा, मैसेज सेंड करेगा किसको, रिसीवर को। सबसे बेसिक अगर समझा जाए तो मेरा ये कम्युनिकेशन है, लेकिन ऐसा नहीं होता, इसमें और भी चीज़ें आ जाती है। सबसे पहले जो मेरा सेंडर मैसेज को सेंड करेगा वो हमेशा किसी कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू करेगा। तो यहाँ पे हम लोगों का एक आ जाएगा कम्युनिकेशन मीडियम, भाई टेलीफोन से कर रहे हैं, लेटर से कर रहे हैं, जिससे भी कर रहे हैं। दूसरी बात, जो भी मेरा सेंडर है, सेंडर का जो भी मैसेज होगा उसकी उसको एनकोडिंग करनी पड़ेगी। एनकोडिंग मतलब जैसे कि मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मेरे को सपोज करो आप लोगों को कम्युनिकेट करना है, मेरे को आप लोगों को कम्युनिकेट करना है कि मैं लाइव लेक्चर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि उसके लिए लाइव लेक्चर के लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा, एनकोड करूँगा, ताकि वो मैसेज मैं यूट्यूब पे डाल के, जो कि मेरा कम्युनिकेशन मीडियम या फिर चैनल है, उस पे डालूँगा, जिससे कि वो आपके पास पहुँचेगा। जब आप वो वीडियो देखोगे तो उस वीडियो को आप लोग डीकोड करोगे एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट डीकोडिंग आप अपना फीडबैक बनाओगे एंड वो फर्दर जो फीडबैक होगा वो फीडबैक मेरे पास अगेन एक मीडियम के थ्रू आ ही जाएगा, जिसे मैं अगेन डीकोड करूँगा और समझने की कोशिश करूँगा। अब मैं इसको डीकोड कैसे करूँगा, ये प्रेजेंट होगा कि आप में से कितने लोगों को समझ आया, कितनों का कमेंट आया, कितने प्रेजेंट आए मेरी वीडियो में, उससे मैंने उसको निकाला। ठीक है, तो बेसिकली एक सेंडर था, सेंडर ने मैसेज को एनकोड करके सेंड किया कम्युनिकेशन मीडियम या चैनल के थ्रू, जिससे कि वो रिसीवर के पास आया। रिसीवर ने उसे डीकोड किया, उसको समझा एंड जो उसको समझ आया उसके अकॉर्डिंग उसने वो फीडबैक सेंडर को दे दिया। इस वाली प्रोसेस को हम लोग पूरा बोलते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस। इससे ही हमारे कंपोनेंट्स भी निकल के आ जाते हैं। एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे मिस कर दी वो ये है कि ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसमें काफ़ी सारे एक्सटर्नल एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉइस। नॉइस जैसे कि इसका दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। काफ़ी बार होता है कि आप अपने फ्रेंड को कोई भी मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हो वर्बली बोल के, कि जैसे कि क्लासरूम का एग्जांपल ले लो कि कोई भी आपको मैसेज पास ऑन करना है, लास्ट में क्या होता है कि दूसरे बच्चों का शोर आ रहा है, बाहर से कुछ नॉइजेज आ रही है, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको डिस्टर्ब कर रही है एंड डिफ़िकल्ट बना रही है आपके मैसेज को कम्युनिकेट होने में रिसीवर तक, वो मेरा नॉइज़ है। नॉइज़ मेरा सारा अनवांटेड डिस्टर्बेंस है जो कि हमेशा प्रेजेंट रहते ही है। अगर मैं YouTube चैनल की बात करूँगा अपने, तो जितने भी बाकी मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं वो एक तरीके से मेरी नॉइज़ है। आपका नेट अच्छा नहीं आया जिसकी वजह से आप मेरी वीडियो नहीं देख पाए, वो भी मेरा नॉइज़ का एग्जाम्पल आ जाएगा। तो ये था अबाउट कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब इसके हम लोग कॉम्पोनेंट्स पर आ जाते हैं। कॉम्पोनेंट्स इसके क्या क्या हो जाएंगे, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले सेंडर और कम्युनिकेटर,
यहाँ से ही देख के चलते हैं, यहाँ से ही हम लोग समझ लेंगे। सबसे पहला सेंडर, सेंडर क्या है? वो इंडिविजुअल जो मैसेज को कन्वे कर रहे हैं या वो जो मैसेज को इनिशिएट कर रहे हैं, वो मेरा सेंडर हो गया। उसके बाद हम लोगों का आता है दूसरा मैसेज। मैसेज मेरी वो इन्फॉर्मेशन है जो कि मेरे को पास ऑन करनी है। जो मैंने एग्जांपल लिया था चैनल का, उसमें मेरी इन्फॉर्मेशन क्या थी? लाइव लेक्चर, तो वो मेरा मैसेज था। उसके बाद तीसरा हम लोगों का होता है एनकोडिंग। मैं कैसे उस मैसेज को एनकोड कर रहा हूँ, यानी कि अपने चैनल मीडियम के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ। जैसे कि अगर मैं यूट्यूब का यूज़ कर रहा हूँ, तो या तो मैं अपनी कम्युनिटी वाली वहाँ पे पोस्ट करूँगा या फिर नई वीडियो बना के डालूंगा। तो मैंने वीडियो बना के उसको एनकोड किया। कम्युनिकेशन चैनल जो भी मैं मीडियम यूज़ कर रहा हूँ मैसेज को कन्वे करने के लिए, वो मेरा कम्युनिकेशन चैनल हो गया। उसके बाद आता है रिसीवर, जो कि इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है, वो हो गया मेरा रिसीवर। उसके बाद आता है डिकोडिंग, रिसीवर क्या समझा मैसेज में से, वो करने के लिए उसको मैसेज को कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड उस प्रोसेस को हम डिकोडिंग बोलते हैं। उसके बाद आता है फीडबैक, फीडबैक इसने क्या रिस्पॉन्स दिया, वो मेरा हो गया फीडबैक। एंड लास्ट में है नॉइस, अनवॉन्टेड डिस्टर्बेंस, इंटरफेरेंस, डिसरप्शन, वो सारा आता है मेरा नॉइस के अंदर। तो ये था अबाउट कम्युनिकेशन प्रोसेस। आज की वीडियो में हम लोगों ने कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा, इसके हम लोगों ने कंपोनेंट्स देखे, फीचर्स देखे, एंड आई होप आप लोगों को समझ आया हो। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब एंड जस्ट कीप फॉलोइंग अस। थैंक यू। Thank you.